मेवाड़ मालवा नाथ योगी समाज विकास संगठन के तत्वावधान में नारायणगढ़ मंडल द्वारा नारायणगढ़ नगर में महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का प्रकट दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आयोजन में संगठन के पदाधिकारियों के साथ मेवाड़ व मालवा क्षेत्र के हजारों की संख्या में नाथ समाज के सदस्यों के साथ साधु संतों व जन प्रतिनिधियों ने भाग लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पदम सिंह जी भाई हमारे युवा मोर्चा विनय जी और मंचा सिंह मेरे सभी वरिष्ठ जन और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। मैं वास्तव में बहुत पुरानी याद ताजा हो गई लाल नाथ जी के आने से। अभी कुछ कहा कि जगदीश जी देवड़ा ने कुछ किया या तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब आपका ही है, ये सब आपका है। और हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं तो इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आपने ये कार्यक्रम रखा है राजस्थान और मालवा का, ये हम सौभाग्यशाली हैं। मैं इस नारायणगढ़ की धरती पर इस पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ये हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, इसलिए मैंने जीतू भाई को कहा कि कार्यक्रम बेशक अपना बना होगा आगे पीछे करेंगे, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और हम उनके दर्शन नहीं कर पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो आज आप सबके पूरे योगी समाज के हमारी बहनों और भाइयों के सबके दर्शन करने का अवसर मिला है, हम बहुत हृदय से आपके आभार। हमारे लाल जी ने बोल दिया है, मुझे कोई विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो आवश्यकता जब जब पड़े आप जरूर आदेश करें, उसका आदेश का पालन होगा, बिल्कुल पालन होगा। मुझे बहुत पहले भी किसी आपने बताया था समाधि स्थल का,
बाउंड्री वॉल की है, लेकिन आप लिखित में मुझे कुछ समाज की तरफ से मुझे आ जाएगा। एक समाज की ओर से मुझे लिखित में एक आवेदन बना करके मुझे देना, यथासंभव कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, सब काम पूरा करेंगे। मैं इतना इस समय आपको आश्वस्त कर रहा हूं और मैं आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। अब हम बात करें, इस मंच से ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे योगी जी की और सबकी। और आजकल तो बहुत इलेक्ट्रॉनिक युग चल रहा है, सबको पता है, इसलिए बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका भी कार्यक्रम आज सुबह से चल रहा है, पूरे नगर का भ्रमण हुआ, आप पूरे नगर में शोभा यात्रा आपकी निकली, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो एक बार इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबका बहुत हृदय से आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए केवल इतना ही मंच को कहना चाहूंगा कि आप हमेशा जो भी काम हो आप अपना समझ करके अधिकार पूर्वक, कि जगदीश देवड़ा मंत्री मध्यप्रदेश सरकार में हो सकता है लेकिन वो आपके परिवार का भी कोई एक सदस्य है, यह मान करके आप कोई काम बताएंगे तो निश्चित रूप से हम काम करेंगे। आज मैं क्योंकि दिन भर आज कार्यक्रम बहुत है इसलिए क्षमा चाहेंगे आपसे, क्योंकि मुझे आगे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए आपका सबका पूरे समाज के जितने साथी हमारे आए हैं उन सब माता और बहनों का, हमारे भाइयों का, मंचासीन हमारे सभी गुरुजनों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी बात को यही विराम